मैं तुम दसा कि अज मैं लुधियाना दे विच माँ दुर्गा जी दे मंदिर दे विच आया। मंदिर कमेटी ने साड़ी नाल 11 कनाल जगह पई है जिदे विच थाना है वह मंदिर दे अंदर आउंदी है। मंदिर कमेटी ने मांग कीती है कि 11 कनाल जगह मंदिर नूं दे दित्ती जावे। एक मंदिर दे विच छोटा हॉस्पिटल भी इन्होंने चलाया होया ओपीडी करदे है। सो असी ये 11 कनाल जगह मंदिर नूं दे रहे हैं। ये जिहड़ा इत्थे थाना चलता इहनूं इत्थों शिफ्ट कर दिता जाएगा नवीं बिल्डिंग दे विच। ते जिहड़ा ये हॉस्पिटल चलाना चाहते मंदिर कमेटी वास्ते असी एक नवीं जगह जिथे ये सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि बहुत बड़ी समाज सेवा इत्थे हॉस्पिटल दे ओपीडी दे रूप च चल रही है वो ये नवीं जगह करनगे। ते ये सारी जगह 11 कनाल प्लस ये ओपीडी वाला सेंटर प्लस मंदिर ये सारी दुर्गा मंदिर वास्ते जगह रहेगी। ये अज असी इत्थे फाइनल कर लिया सरकार वालों ते जगह इन्हां नूं शिफ्ट कर दी जाएगी। इस तो अलावा पंजाब दे विच जिन्हां लोकां ने नशे फैलाए है ये बड़े बड़े सौदागर जिन्हां नूं कहिंदे आ बड़ियां मच्छियां जिन्हां नूं कहिंदे आ उन्हां दे खिलाफ़ ऐसी कार्रवाई आरंभ कर दी है। दूसरा जिन्हां लोकां ने ऐसी स्कॉलरशिप दे विच कपड़ा कीता उन्हां दे खिलाफ़ विजिलेंस वालों पंजाब दे विच ऐसी कार्रवाई शुरू कर दी है। तीसरा जिन्होंने इरीगेशन स्कैम किया उन्हों का केस चल रहा है जेड़े लोग बच गए हैं उन्होंने खिलाफ़ भी ऐसी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये जिन्हों लोगों ने पिछले दिनों च नशे फैलाए है तो करप्शन फैलाई है वो चाहे कोई भी होवे चाहे किसी पार्टी का होवे भावें साड़ी पार्टी की सरकार दे विच ऐसी स्कैम होया या पहला नशे फैलाए गए है या इरीगेशन स्कैम होया इन सारिया की तहकीकात होकर इन्हों लॉजिकल एंड से लिजाया जाएगा। जेडे बच्चे बिच इनवॉल्व है उन्होंने कार्रवाई होगी। सर 2022 में क्या एजेंडा लेकर के कांग्रेस जा रही है पब्लिक के बीच? अभी सरकार की बात करो जब इलेक्शन की बात आएगी तब करेंगे। सर इरीगेशन स्कैम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਪਤ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੈਮ ਕਰਦਾ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਐਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।